छोटे छोटे सपने जब पंख फैलाकर ऊंचे आसमान में एक लंबी उड़ान भरते हैं, तो कई बार हमारी उड़ान को तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लगता है कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। गिरने के डर से कई लोग अपने सपनों को पीछे छोड़कर रोजमर्रे की जिंदगी बिताने लगते हैं। कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो अपनी मंजिल को अपना लक्ष्य बना के जी तोड़ मेहनत अनगिनत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी उस उड़ान को तय करते हैं, मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। मैं मधुरिमा निगम ऐसे अचीवर्स फाइटर्स की जिंदगी के पन्नों को हर रविवार आपके साथ शेयर करती हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, जो मेरे खास मेहमान बनकर आए हैं। उनके अचीवमेंट्स और जर्नी की बातें इतनी इंटरेस्टिंग है, शायद मैं ये भूल जाऊं इमोशंस में बह के कि हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड होता है। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से मैं आप सबका तारुफ करवाती हूँ मेरे आज के मेहमान से। गुड मॉर्निंग सर। हम एक दूसरे के बारे में इतना जानते तो हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट, बताइए। जब ये स्क्रीन पर आते हैं तो आसपास के सारे एक्टर्स को ओवरशैडो करते हैं। मुझे ये रूम कुछ वक्त के लिए खाली चाहिए, आप सब लोग बाहर जाइए। ये कन्वेंशनल हीरो तो है नहीं, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा अशरफ फैजल। पर अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि मैं किसी सुपरस्टार की फिल्म देखूं या फिर इनकी फिल्म देखूं, तो बेझिझक मेरी चॉइस होगी कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की पिक्चर देखने जाऊं। सिद्दीकी। वेलकम नवाज ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम। थैंक यू मधुरिमा। आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने NSD से एक्टिंग की तालीम ली, फिर भी मतलब जैसे बहुत सारे डिजर्विंग एक्टर्स होते हैं उनकी तरह आपको भी शुरुआती दिनों में छोटे मोटे रोल्स करने पड़े, क्राउड सीन्स, कभी एक मिनट एक सेकेंड, कभी एक मिनट दो सेकेंड, तो उस वक्त कैसा लगता था? एक्चुअली मैं जब आया था तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे आए हुए कोई 14 साल हो गए। शुरू में भाई कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं तो सीरियल करने के लिए आया था। तो सीरियल में बस वही काम मिलना बंद हो गया था एक टाइम के बाद, क्योंकि ग्लॉसी हो गए थे सब सीरियल्स। तो उसमें अगर भिखारी नहीं, सास बहू तब तक नहीं आया था। अच्छा, अच्छा। तब तक ये आया था कि अगर भिखारी का भी रोल करना है तो खूबसूरत 6 फुट का बल्ले छल्ले वाला बंदा चाहिए। एक्चुअली वो हमारे रोल थे भिखारियों के, या कहीं पे किसी को मारा पीटा जा रहा है, या इस तरह के जो रोल थे वो हम लोग करने आए थे। लेकिन उसमें वो लोग आ गए, फिर बहुत दुख हुआ मुझे। और उसके बाद फिर क्या करते, फिर फिल्मों में ट्राई करना पड़ा एक्चुअली। अब फिल्मों में फिर वही ऑप्शन कुछ नहीं था, वही छोटे छोटे रोल थे क्राउड में सब। तो तकरीबन वो मेरे ख्याल से 6-7 साल तक, 8 साल तक वही सिलसिला चलता रहा। सिर्फ इतनी डिजायर थी कि एक सीन कर लिया तो अब 6-7 साल के बाद 2 सीन दे दो यार। इतनी चाह थी, लेकिन वो 2 सीन भी नहीं मिले। तो क्या आपने वो वाली कार्ड जो यहाँ पे बनाते हैं ना, वो जूनियर आर्टिस्ट वाली कार्ड, वो बनवाई थी? नहीं, मैंने कार्ड नहीं बनवाई थी, लेकिन मैं जूनियर आर्टिस्ट जो जहाँ पे वो लोग काम करते थे उनमें घुस जाते थे हम लोग। हाँ। असिस्टेंट से सेटिंग करते थे, जो चीफ असिस्टेंट होता था उससे सेटिंग करते थे, और शाम को कैश मिल जाता था पैसा। हाँ। लेकिन पकड़े जाते थे, जो जूनियर आर्टिस्ट का कोऑर्डिनेटर होता था वो आधे पैसे, जैसे 2000 मिले, 1000 उसको देने पड़ते थे। अच्छा, तो इस तरह काम चलता था। दादागिरी तो है ही। पर अब जब उन्हीं स्टूडियोज में आप जाते हैं, जब अब आप दी नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन चुके हैं, मुकाम आपने हासिल कर लिया है, तो जब आप वहाँ जाते हैं, वही चाय का स्टॉल, वही जूनियर आर्टिस्ट का एक ग्रुप जो खड़ा रहता है धूप में, तो वो दिन आपको जरूर याद आती होगी, या कोई लोग आपको देख के पहचानते हैं? एक्चुअली मैं उस तरफ जाता नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे फिर से वही चीज़ें सारी याद आने लगती हैं कि मेरे ख्याल से कोई 6-6 घंटा वहाँ खड़े रहने पड़ता था। तो मैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं अभी भी, अगर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर मैं अच्छे से मिलता हूँ। और एक चाह ये रहती कि जैसा मेरा हुआ है उनका भी हो, कभी ना कभी ज़रूर होगा इंशाल्लाह। फितरत है, हम तरक्की करें तो अच्छा है, हमारे दोस्त तरक्की करें तो बहुत कम लोगों को पछता है, अपना जो सपना है उसे साकार किया है, उससे कई लोग खुश हुए होंगे, कई लोगों को बड़ा वो भी लगा होगा कि मैं नहीं बना, देखो ये तो बन गया। लेकिन मेरे दोस्तों के साथ एक ये था, ये कि अगर, क्योंकि उनको पता था मैं एटलीस्ट अपने जो बहुत सारे एक्टर्स थे उनमें बहुत मेहनत करने वाला था, मैं हार्ड वर्क बहुत करता था मैं, तो उनको, और
क्योंकि उन्होंने उन लोगों ने मुझे थिएटर में भी देखा था, तो उनको ये ज़रूर था, एक कॉन्फिडेंस था कि यार नवाज का कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा साल हो गए थे यहाँ पे, बाकी मेरे बाद में आए थे काफ़ी लोग ऐसे थे, और मैंने वो वक्त भी देखा जब मेरे जो दोस्त थे वो स्टार हो गए थे, वो भी वक्त मैंने देखा, लेकिन मुझे खुशी होती थी और कॉन्फिडेंस होता था कि इनका हुआ तो मेरा भी होगा ज़रूर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब उनको भी खुशी होनी चाहिए, फितरत जो होती है आपको। हाँ, जैसे अभी आप जहाँ रहते होंगे, जब उसी बिल्डिंग में पहले आप लिफ्ट से ऊपर नीचे आप जैसे करते थे, आसपास के जो लोग होते थे वो आपको ऐसे ही देखते थे, जब आपकी पिक्चर हिट हुई तब उनका जो नजरिया है आपकी तरफ वो पूरा ओवरनाइट बदल जाता है। देन दे स्टार्ट सेइंग कि अरे हमारे बिल्डिंग में रहता है या हमारा पड़ोसी है या हमारे यहाँ से चीजें खरीदता है, तब वो ऑटोमेटिक एक कनेक्शन तैयार हो जाता है उनका। तो आपके साथ तो ये जरूर हुआ होगा, जैसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर हिट हो गया, मैं खुद देखने गई थी, आपको शायद याद नहीं होगा, हम लोग ट्रायल देखने गए थे और आके आप कोने में बैठे हुए थे, फिर जब खत्म हुई पिक्चर तो हम सब नीचे जा रहे थे, तो आप खड़े थे चुपचाप, सब आपसे आके मिल रहे थे, सोनू जी और मैं भी आपसे मिली थी, तो वी वर सो हैप्पी फ्रॉम विद इन कि एक ऐसे टैलेंट को फाइनली, यू नो, हमने कभी आपको देखा नहीं था वैसे, सच्ची में बताया, मतलब हमने सुना था कि ये कैसा कोई है बंदा, और देखने के बाद हमको दिल से हमारी मतलब एक खुशी, एक दुआ निकलती, हम तो आपको उतना जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, बट यू फील फॉर दैट पर्सन एग्जैक्टली। हाँ, एंड वो आपकी आंखों में जो एक था ना कि फाइनली जिस चीज के लिए मैं वेट कर रहा था वो मुझे आज मिल गया, आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट। आपके बाल भी तब छोटे छोटे थे। हाँ, वो उस वक्त में मेरे ख्याल से कोई दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। हाँ, उसके लिए लुक था। सबने आपको खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन आपको दिया था। याद है, वो तो इस तरह की चीजें तो याद रहती है। ऐसे बिलोंग करते बुधाना जी, मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा टाउन। हाँ, वहाँ आम लाइफ में वही बातें होती हैं जो आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया, गेहूं गन और गन्ना, गन गेहूं गन्ना। हाँ, ऐसे माहौल में जब एक बच्चा बड़ा होता है वो सही बनने की कोशिश करता है या तो पूरा बिगड़ जाता है, तो आपने अब अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे रखा? एक्चुअली वो सारी चीजें देख रहा था मैं, और शुरू से ये था कि यहाँ से निकलना है। हालांकि हर आदमी को अपना कस्बा अपना गांव बहुत प्यारा होता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है वहाँ पे लोगों में, तो इसलिए मैं चाहता था कि जल्दी से जो भी है पढ़ाई वढ़ाई करके इंटरमीडिएट किया मैंने वहाँ से, और जल्दी से निकल गया मैं वहाँ पे। और मैंने चाहा कि मैं अपने भाइयों को भी वहाँ से निकाल लूँ, क्योंकि जैसे अभी भी आपने हाल फिलहाल में सोचा होगा, मेरे ख्याल से आज की डेट में कम्युनल राइट्स कहीं इंडिया के किसी कोने में नहीं होते, लेकिन वहाँ हुए हैं आज भी। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है वहाँ के लोगों के लिए कि आज भी वो इन सब चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत पहले वहाँ से निकल गए थे, देहरादून में बस गए थे वहाँ, और वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट की। फिर एक ये भी वजह थी क्योंकि बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, जो वहाँ पे जो एटीट्यूड है बहुत एग्रेसिव है लोगों का, आम आदमी का जो एटीट्यूड है बहुत, इस वजह से वो ज़्यादा मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था, इसलिए निकल गया था वहाँ से, और थैंक गॉड अच्छा किया निकल गया मैं वहाँ से। तो वहाँ पे जैसे जनरली ऐसे छोटे शहरों में पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर भी आपने पढ़ाई की, इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आपने केमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन किया, वो तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे जगह से आने वाले किसी शख्स के लिए। केमिस्ट्री कहाँ से दिमाग में आया आपके? एक्चुअली क्या, मेरे दोस्त थे वो साइंस ले रहे थे, तो टेंथ के बाद डिसाइड करना पड़ता है कि आर्ट फील्ड में जाओ, आर्ट फील्ड में जाओगे या कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है, कॉमर्स में या क्या। तो मैंने, मेरे दोस्त थे तो वो साइंस ले रहे, तो मैंने भी साइंस ले लिया था, इसलिए लिया था। ऐसा कुछ मेरा ये नहीं था कि मैं साइंस की पढ़ाई करके कुछ ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं था, जो दोस्त थे तो। अच्छा, और आपके घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 7 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अरे वाह, तो आप मतलब बहनें छोटी हैं? हाँ, छोटी हैं। तो वो कहाँ, गाँव में ही रहते कि? एक की शादी हो गई, एक अभी है साथ में, अभी यहाँ आई हुई है, मेरे पास भी है। अच्छा, और आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं? नहीं, पेरेंट्स गांव में ही रहते हैं अभी भी। अच्छा। हाँ, वो आते हैं कभी कभी, आ जाते हैं। उनको बॉम्बे पसंद नहीं? नहीं है, बॉम्बे पसंद है लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए पसंद होता है उनको। क्योंकि छोटे छोटे घर में, अब वहाँ पे किसान परिवार है हम लोगों का, बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, तो यारी दोस्ती है उनकी, बहुत सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग आके बैठ जाते हैं, बातें बातें करते रहते हैं, वही पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, सब चीज़ों के ऊपर वही डिस्कशन, तो वहाँ ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई दोस्त यारी नहीं किसी की, तो तो जल्दी एक आध महीना रहते हैं फिर भाग जाते हैं यहाँ से। मैंने सुना है जहाँ आपके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ थिएटर ऐसे नहीं है, बहुत छोटे छोटे थिएटर्स हैं, वहाँ पे फिल्में भी कम देखी जाती है, तो जब आपकी फिल्म आती होगी तो वहाँ तो हाहाकार मच जाती होगी कि अपना नवाज की पिक्चर आ गई। हाँ, मतलब शहर में है वहाँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हाँ,
थिएटर मेरे गांव में नहीं है और 40 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो वहाँ देखने जाते हैं लोग। हाँ, उनको तो लगता होगा कि अपने बच्चे की पिक्चर है, हमें जानी है अपने बच्चे की। हाँ। कोई ऐसे पता पूछता है तो अब सब बोलेंगे अरे नवाज का घर है ना, तो, हाँ। बस उससे राइट लो, उससे लेफ्ट लो, बस अपना घर वहीं पे है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। पहले ये था कि हाँ नवाज है, अब नवाज का घर है। तो आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट होगा। हाँ ऑफ कोर्स, माँ बाप के लिए ऑफ कोर्स एक प्राउड का मोमेंट होता है, क्योंकि कई साल जब तक मैं स्ट्रगल करता रहा तो वो भी ये सोचते थे क्या कर रहा है, पता नहीं हो पाएगा, चेहरा वगैरह तो ऐसा कोई खास है नहीं उसका, वहाँ पे तो सब लोग ऐसे ऐसे जाते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका भी इतना कोई खास कॉन्फिडेंस मेरे पे था नहीं एक्चुअली। माँ का था, जैसे माँ का झूठ हर माँ का होता है, अपने बच्चे मेरा बेटा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, तो ऐसा वो पता नहीं कैसा कॉन्फिडेंस होता है हर माँ का, तो उनका था, बाकी किसी का नहीं था। हर आदमी मुझे बोलता था क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, क्यों जा रहा है मुंबई, यहीं कुछ काम कर ले, ऐसा था। जब आप गांव जाते होंगे तो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि पंचायत बैठती है तो आपको ताम झाम से आपकी जरूर यू नो आपको बिठा के खूब सारी सवाल भी पूछते होंगे, आपको सवाल भी पूछते हैं, खिलाते भी बहुत हैं, और मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ कि ज्यादा ना खाऊं, नहीं तो फिर थोड़ा कम करने में बहुत टाइम लग जाता है एक्चुअली। पर आप वैसे ही इतने दुबले पतले हैं, इसमें और क्या कम करेंगे। नहीं अभी तो अभी किया मैंने, नहीं तो बीच में काफी हो गया था, घर जाने के बाद में काफी लोगों ने मतलब ठूस ठूस के खिलाया मुझे। हाँ, और वो तो उनको तो ये भी लगता है ना कि अरे हाँ, बहुत दुबला हो, बहुत दुबला है, कमजोर है बहुत ही। हाँ, शहर वाले खाना नहीं खाते। पर आपकी जब मम्मी यहाँ आती है उनके लिए एकदम बिल्कुल एक ऑपोजिट कल्चर है यहाँ का, तौर तरीके अलग है, रहन सहन कपड़े सब कुछ अलग है, स्पेशली जो औरतों का कपड़ा है उनके जरूर कुछ एक्साइटिंग कमेंट्स होते होंगे। मैंने उनको बता दिया यहाँ ऐसे ही होता है, ये शहर है यहाँ ऐसे ही होता है। हाँ। तो ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। तो फिर वो समझ गए वहाँ भी शहर होता हुआ है, ऐसा है, तो ऐसा होता है, लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। एक बहुत पर्सनल सवाल पूछूंगी, जैसे आपकी शादी हुई है। हाँ, मेरी बच्ची भी है। हाँ, तो आपकी जो वाइफ है उनको भी क्या उसी ढांचे में ढाला हुआ है, वो गाँव से है कि वो शहर से? नहीं, वो जबलपुर से है, ठीक ठाक शहर है वो तो, अच्छा खासा। हाँ, वो तो शहर, बहुत बड़ा शहर है। और लेकिन वो रहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, जैसे हम लोगों में रहते हैं वैसे रहते हैं। अच्छा, क्या होता है ना सास आती है तो सास आके बहू को समझाती, देखो ये शहर के तरह मत जियो। नहीं मैंने भी ये नहीं कि भाई मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ और लाइक ऐसे कपड़े पहनो वैसे मत पहनो, ऐसा नहीं। उसको खुद ही खुद उसका अपना उसका जैसी मर्जी वैसे, क्योंकि इंडस्ट्री का एक ना रहते रहते सबका रहन पहनावा सब सडनली एक चेंज होता है, और जनरल एक चीज़ देखा गया है कि जैसे जैसे इंसान शोहरत के सीढ़ियों पे चलता जाता है, साथ उनके साथ जो लोग होते हैं जैसे हम लोग होते हैं, तो हमको भी उनके साथ कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बदलना पड़ता है, एक्सेप्ट करके चलो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, और सोशली प्रेजेंटेबल होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जो जनरली हम शायद नहीं करते, नहीं करना चाहते। हाँ, हाँ। आपकी वाइफ भी अभी हमने कभी उनको देखा नहीं है, तो उनको कभी ऐसे कोई मुश्किलात होती है कि यू नो अब मुझे यहाँ जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें एक्चुअली अपने पे डिपेंड करती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मैं बाहर इतना ज़्यादा लाइक जैसे पार्टीज इवेंट ये वो सब में जाता नहीं हूँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, और मैं अभी इस काबिल हूँ कि मैं अपने तरीके से जी सकता हूँ। ज़रूर मुझे लगता है कि सक्सेस एक कहीं ना कहीं ये का उसका यूज़ इसलिए किया जा सके आप अपने तरीके से जियो। मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मैं जो एक डर्रा है जो चला आ रहा उस तरीके से रहना सहना, मुझे जिस चीज़ में सुकून मिलता है मैं उस तरीके से रहना पसंद करता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं कि बाहर जाऊँ ये वो, क्योंकि पहले भी इतना ज़्यादा मैं पहले तो बिल्कुल भी नहीं था इस तरह की पार्टीज में या इधर उधर या सोशल तरीके से रहा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे साथ पहले भी। अभी भी वही शाम हुई अपने घर में काम करके अपने घर में आ जाना, उसके बाद मैं कहीं नहीं जाता हूँ। सिर्फ प्रमोशन के लिए थोड़ा बहुत, प्रमोशन के लिए ऑफ कोर्स। हाँ, वो तो जरूरी, वो जरूरी है वो जरूरी हो गया एक्चुअली। हाँ, पहले के फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेसेस इतना कहाँ करते थे। कोई नहीं, सही बात है, बहुत जरूरी हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है एज एन एक्टर आपने काम किया और अपने घर में बैठिए, लोग डिसाइड करेंगे फिल्म को देखना है नहीं। एग्जैक्टली करें, आप शुरू में छोटे रोल्स में दिखते थे, अब आप बड़े बड़े होर्डिंग्स पे दिखते हैं, छोटा सा सपना बड़ा बन के आपके सामने। मेरा बड़ा बनने का बिल्कुल सपना है। मैं हाँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत मॉडेस्टी के साथ या इस तरह नहीं कह रहा हूँ हाय मैं देखो मैं कितना सिंपल आदमी, बिल्कुल नहीं। प्लान था कि मैं टीवी में काम करूँगा और या थिएटर करूँगा टीवी में करूँगा, इस तरह का था। चूँकि चीज़ें नहीं मिली फिर मैं फिल्म की तरफ, वहाँ पे भी मैं खुश था, मुझे 9 साल तक छोटे छोटे रोल मिलते रहे क्राउड में और बहुत एक एक दो दो सीन तीन तीन सीन फिल्मों में मिलते रहे। बस इतना था कि जो अब मैंने एक सीन के दूसरी फिल्म में या 4-5 साल के बाद 2 सीन मिल जाए मुझे, मेरा ये ख्वाब था ही नहीं कि मैं कोई स्टार बनना है मुझे। क्योंकि क्या होता है कि अगर ये सोच के मैं आता तो फिर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता मुझे। तो ये चीज़ें मैंने पहले से ही, जब मैं बॉम्बे आया ये चीज़ें पहले ही मैंने वो दिमाग में दिमाग से निकाल दी थी। तो इतना ज़्यादा मुझे कोई खाली रहा काफ़ी सालों तक, तो मुझे मेरे मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता था, बल्कि मुझे काम करना अच्छा लगता था, जो काम चाहे वो थिएटर का हो चाहे वो, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली है तो मुझे लगता था कि जो प्रोसेस है लाइक जो कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ उसकी जो प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचना है, पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, वो उस जो प्रोसेस स्ट्रगल होता है उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता था एक्चुअली, बजाय इसके कि मैं फेमस हो जाऊँ पॉपुलर हो जाऊँ या लोग मुझे जानने लगे, इस चीज़ पर कभी मेरा ख्याल नहीं गया। मैं केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहाँ से आपने चीफ केमिस्ट का काम किया, फिर वहाँ से आप एक्टिंग के बीच में जो मतलब वो मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, आप दिल्ली में सडनली सिक्योरिटी में क्यों, हाँ वो काम में क्यों चले गए? एक्चुअली मैं क्या हुआ था, मैं चीफ केमिस्ट था, वो काम छोड़ के मैं दिल्ली में थिएटर करने चला गया था। तो थिएटर में पैसा नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, है ना, खासतौर से हिंदी थिएटर में बिल्कुल भी पैसा नहीं, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर में फिर भी पैसा है, इंग्लिश थिएटर में पैसा है, हिंदी थिएटर में बिल्कुल भी पैसा नहीं, आज तक नहीं है, ऑडियंस नहीं बनी इतनी ज़्यादा जितनी बननी चाहिए थी। तो उस वक्त पे क्या होता था कि अपनी तरफ से जो ग्रुप होता था वो जाके ज्वाइन कर लिया था मैंने, अब उस ग्रुप में पैसा तो मिलता नहीं आपको, तो उस दौरान में पैसा घर से भी नहीं आ सकता था, तो पार्ट टाइम में मैं सुबह से 9 बजे से लेके और शाम के 6 बजे तक ये काम करता था और उसके बाद आके रिहर्सल करता था थिएटर की, तो एटलीस्ट रहने का खाने पीने का खर्चा वहाँ से निकल जाता था मेरा। दिल्ली में इतनी गर्मी में कितनी तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती थी, मुझे पता है कि पूरे दिन की जो धूप होती है वो कैसी होती है, लू एग्जैक्टली, और उस वक्त पे नोएडा जैसी जगह थी जहाँ पे चीजें बन रही थी तब, अभी जैसा नोएडा अभी वैसा नहीं था, धूल अच्छा। मिट्टी, ट्रक चला गया तो 5 मिनट के बाद धूल जो है वो सेटल होती थी एक तरह से, तो वो उन्हीं उसी बीच में वो सारी चीज़ें मालूम है, तो ऑफकोर्स अच्छा तो नहीं लगता था लेकिन काम करना है और अपने तरीके से लाइक जैसे थिएटर का शौक हो गया था तो वो भी करना है, तो पैसा भी नहीं है तो पैसा कमाने के लिए सब करना पड़ता था। मैंने कहीं पढ़ा भी कि कहीं से आपको सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ से भी आपको जॉब से निकाला गया था क्योंकि उनको लगा कि आप बड़े वीक से हैं। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं बैठ जाता था, मेरे से खड़ा नहीं रहा जाता था, तो पहले से पतला दुबला सा था तो बैठ जाता था मैं, तो एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी वो, अच्छा, तो खिलौने बनते थे वहाँ, हाँ। तो बैठ जाता था मैं, तो क्या हुआ इत्तेफाक से कि दो तीन बार बैठा मैं बस, और 2-3 बार ही मेरे ऑनर ने देख लिया मुझे, अच्छा, तो उसने बोला यार ये कमजोर साथ में कहाँ से पकड़ के लिया, हटाओ इसको, निकाल लो इसको, तो निकाल दिया। फिर मैं डिपॉजिट जो मैंने दे रखा था 5,000 रुपए डिपॉजिट, अच्छा, काम करने के लिए डिपॉजिट भी देना पड़ता था, कहीं बंदा भाग जाए ये, अच्छा, तो डिपॉजिट रख लेते थे, वो वापस नहीं किया था डिपॉजिट उन्होंने, अपनी माँ से लेके आया था मैं वो। अच्छा, इस बात को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जब से मैंने वो पढ़ा है ना आपके बारे में, मेरा ना मतलब अंदर से मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि हमारे घर में जो सिक्योरिटी है कभी कभी हम उनको बोलते हैं अरे आप क्यों सो जाते हो, आप योग ही करते हो, सडनली ना मैंने उस चीज़ को कोरिलेट कर दिया कि हम इंसान किस तकलीफ में है वो समझ नहीं पाते हैं कभी कभी, और हम अपना वो जताते रहते हैं अरे आप ये नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो, सामने वाले किस तकलीफ में है वो आपका वो पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि ये चीज़ अब मुझे अपने में करेक्ट करना पड़ेगा। इस शो के जरिए मैं जिनसे भी मिलती हूँ हर हफ्ते मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो मेरी आज की ये सीख है। आप जब जाएंगे तो आप वॉचमैन का ख्याल रखिएगा। सिर्फ वॉचमैन नहीं, हर एक बंदा जो काम करता है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें होती है, वो किस चीज से गुजर के आ रहे हमें क्या पता। माशाल्लाह खूबसूरत सी हीरोइंस है जिनका बड़ा एक फिक्स्ड होता है कि हमारे हीरोज ऐसे होंगे, हमारे हीरोज ऐसे होंगे। आपकी कामयाबी के बाद आपको ऐसे कई हीरोइंस मिल रही होंगी जो चाहती होंगी कि हम नवाज के साथ काम करें।
मैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया तो मुझे तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हीरोइन कोई भी हीरोइन मेरे साथ काम करना चाहिए, ऐसा भी तो मेरे ख्याल से नहीं। जो आपकी जॉनर है उस जॉनर के काफी हीरोइंस है, आई एम श्योर दे मस्ट बी वांटिंग टू वर्क विद यू आल्सो। मेरे पास तक अभी ऐसी कोई जासूसी नहीं हुई। आपको कौन पसंद है आज के दौर की हीरोइंस में? मुझे तो, मैं सच बताऊं, कोई हीरोइन का कोई ऐसा वो नहीं है। मेरा ये नहीं है कि भाई मैं इसके साथ नहीं काम करना चाहता या इसके साथ नहीं, मुझे जो मिल जाए, जो हीरोइन हो उसी के साथ काम कर लूंगा। कॉमेडी भी आप बहुत अच्छा करते हैं, जो अभी तक आपने किया नहीं है उसी से आपने शुरुआत की थी। हाँ, थिएटर में मैंने मतलब मोस्टली 60s-70s प्ले के आसपास मैंने किए, जिसमें सब में कॉमेडी करता था। तो वहाँ से आपको ये सीरियस रोल्स में क्यों ढकेल दिया गया? पता नहीं, लोगों को मेरा चेहरा देख के लगा ही नहीं कि ये कॉमेडी भी कर सकता है। अब क्या होता है ना कि एक कॉमेडियन के लिए जरूरी है कि उसका फेस पे भी कॉमेडी होनी चाहिए। हाँ। है ना, तो उसको लगता है कि ये कॉमेडी कर लेगा। हाँ। तो शुरू में जब मैं आया तो लोगों को लगा कि ये इंटेंस सा दिखता है, और वो तो गरीबी की मार थी, हालांकि ऐसी बात नहीं, कॉमेडी में भी उस वक्त पे कर काफी की थी मैंने, लेकिन लोगों को शायद मेरे चेहरे में वो चीज नजर नहीं आई होगी, इसलिए इंटेंस कैरेक्टर या व्हाटएवर जो भी। अभी भी आपको कोई कॉमेडी वाले रोल्स नहीं मिलते हैं या? नहीं, देखिए कॉमेडी का अपना एक तरीका होता है कि कॉमेडी किस तरह की कॉमेडी। अभी अगर लंच बॉक्स देखें तो उसमें एक तरह का वो था, अभी एक आउट एंड आउट कॉमेडी की है मैंने घूमकेतु, तो उसमें फुल कॉमेडी आएगी तो लोगों को पता चलेगा कि मैं उस तरह के, क्योंकि लंच बॉक्स में भी जो आपका कैरेक्टर है इट्स अ वेरी लाइट कैरेक्टर, उसकी आंखों में बदमाशी रहती है हमेशा, जैसे कुछ चल रहा है। हाँ। तो जरूरी नहीं कि वो गुदगुदाने वाली हंसी हमेशा कॉमेडी हो। कॉमेडी बहुत तरीके होते हैं कॉमेडी के, स्लैपस्टिक कॉमेडी है, विट कॉमेडी है, डार्क ह्यूमर होता है, हर तरह बहुत सारे वो होते हैं कॉमेडी में। जरूरी नहीं कि एक ही तरह का जो हमारी फिल्मों में चला आ रहा है एक ही वही तरीका है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, हंसाना है लोगों को तो रुला के भी हंसा सकता है इंसान। आपको किस किस्म के गाने पसंद है? मुझे एक्चुअली बहुत पुराने गाने नहीं, उस वक्त पे जो मासूम इजाजत जो आती थी उस तरह के जो उन फिल्मों में जो गाने गजल होते थे टाइप के थोड़े बहुत। हाँ, गाने भी होते थे, लाइक जैसे हीरा पन्ना के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। अच्छा। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, उस तरह वो गाना, रोज रोज आंखों तले, तो इस तरह के जो लाइट गाने होते थे ना वो ज्यादा अच्छे लगते। गुलजार साहब की जो शायरी होती थी वो काफी, उस शायरी में जो गाने कंपोज होते थे वो अच्छे लगते। वेरी नाइस। और अभी जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम और रोमांस साथ साथ हाथ हाथ, आप किस तरह से अपने वाइफ के साथ समय बिताते हैं? आई एम सॉरी, मतलब मेरा बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिला मुझे, मतलब जब भी इस तरह का मौसम होता तो मेरी शूटिंग होती। हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ, सपोज आपको वक्त मिल गया। वक्त मिल गया तो लड़ाई होगी वाइफ की, क्या होता है ऐसे क्या? वाइफ से तो लड़ाई होती है, ये सारे मर्दों का पता नहीं क्या है। ये तो लड़ाई के लिए होती है बस। हाँ, ये बड़ा अच्छा होता है, सब लोगों का एक ही शौहर ही है जो बेचारा पिटता रहता है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि शौहरों में ना काफी वो आ गया, गुस्सा आ गया जब से कानून बने ना। इतने हार्ड कानून बने ना मर्दों के खिलाफ। हाँ। तो तब से जो है ना एक गुस्सा आ गया लोगों में। शौहर वो हो गए। हाँ, सारे कानून तो आपको दे दिया है, एक्चुअली हो गया ना। हाँ, सारे मर्द यही बोलते हैं। सारे मर्द यही बोलते हैं कि आजकल औरत होना सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा, सब कुछ मिलता है उनको, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। आपकी छोटी सी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। अब उसको भी तो प्रिविलेज मिलेगा अब, पता है। अब मुझे अच्छा लगता है जब बेटी हुई तो, क्या अच्छा हुआ जितने कानून मिलने थे औरत को मिल गया, अच्छा हुआ। जब अच्छा अपना बच्चा होता है तब सोच बदलती है, बीवी के लिए नहीं बदलती है, बीवी के लिए नहीं बदलती। काफी सालों से आपकी शादी हुई है और उन्होंने भी आपके साथ आपके स्ट्रगल को थोड़ा बहुत देखा होगा, महसूस किया होगा। एक वक्त था जब आप काम ढूंढते थे तब आप बिजी रहते थे, अब ये वक्त है जब आपके पास काम ही काम है और तब आप बिजी है, तो साथ में वाकई आपको समय बहुत कम मिलता होगा। समय बहुत कम मिलता है वाकई, सब शिकायत सबसे ज़्यादा जो है वाइफ को मेरी इसी चीज़ की रहती है वक्त, लेकिन वो चीज़ें समझती है क्योंकि उसने भी मेरा वो वक्त देखा है। उनको तो खुशी होगी। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल खुशी होती है। और थोड़ा बहुत वक्त देखा है जब, हालांकि मेरा थोड़ा ठीक होने लगा था जब मेरी लाइफ में वो आई, लेकिन है, देखा है उन्होंने वक्त, तो इस चीज़ की वो उनको वो कदर है कि भाई अगर आप आज की डेट में बिजी हूँ तो ऑफ कोर्स मायने रखता है उसके लिए भी, मेरे लिए भी, हमारा एक फाइनेंशियल भी मायने रखती हैं चीज़ें। ऑफ कोर्स, आप की आंखें जो है ना बहुत इंटेंस आंखें हैं, अंदर आपका ना एक बड़ा खुदपुतिया सा इंसान भी है। हाँ। बहुत बेचैन रहते हैं। इतना ज्यादा नहीं रहता लेकिन थोड़ा सा रहता है दिमाग में। हाँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं ना जनरली
वो बड़े मूडी किस्म के होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत खुश है तो खुश है, कभी सडनली ऐसे एक जोन में चले जाएंगे कि टच मी नॉट में आ जाते हैं। मतलब पहले होता था मेरा ऐसा। तो उस वक्त जो आपके घर वाले होते होंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इतना ज्यादा नहीं होता था कि किसी को प्रॉब्लम होने लगे। हाँ, जो बहुत अपने काम में पुख्ता होता है उस इंसान को जब काम ना मिले उसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि काम में छोटे छोटे करियर आता है एक्चुअली। कुछ छोटे छोटे से भले ही जूनियर आर्टिस्ट के रोल कर रहा था लेकिन काम वो मैं करता रहता था, या किसी को पढ़ाना एक्टिंग ये सब मैं करता रहता था। मैं तो आप पढ़ाते भी थे? हाँ, थोड़ा बहुत मैं वर्कशॉप लेता रहता था बीच बीच में, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता क्योंकि खाली तो बैठ नहीं सकते थे आप। मूड स्विंग मेरे इतने ज्यादा नहीं होते, किसी को प्रॉब्लम होने लगे उतना ज्यादा नहीं, अगर होता भी तो खुद ही को संभालना पड़ता था क्योंकि कोई और दूसरा तो था नहीं। तो इतना बड़ा, इतना बेहतरीन और इतना इम्पोर्टेंट रोल आपको फिर कैसे मिला? आई डोंट नो मुझे उसने क्यों दिया। अनुराग कश्यप है, वो भी एक पागल किस्म का इंसान है। मैंने पूछा भी था कि क्यों दिया मुझे इतना बड़ा रोल, आपको क्या नजारा है कुछ, जबकि कोई ऐसा कुछ जानता भी नहीं था उस वक्त मुझे तो। लेकिन उन्होंने दिमाग में पहले से, बहुत पहले से बिठा रखा था। आपने उनके साथ काफी काम भी किया हुआ था ना, जिस आदमी को टैलेंट की परख हो वो पहले से सोच समझ के ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने सोचा समझा हुआ था। उन्होंने जो पहला फोन किया था, मैं अपने गांव में था एक्चुअली, तो उन्होंने फोन किया कि जैसा तो रोल चाहता है वैसा है। मुझे ऑफ कोर्स लगा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। जब मैंने आगे स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में ज्यादा लिखा हुआ नहीं था, पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन जो कैरेक्टर जो शेप लेने वाला था वो मुझे उसका अंदाजा हो गया था। तो ऑफ कोर्स उस दौरान वो जो एक्साइटमेंट है वो तो मैं खैर कभी भूल ही नहीं सकता। और फिर जिस तरीके से शूट हुआ पूरी फिल्म, और सबसे लास्ट में लास्ट वाला सीन हुआ जो गोली मारता हूँ मैं विलेन को, पूरी पिक्चर की शूटिंग खत्म हो गई थी और वो लास्ट वाला सीन हो रहा था, सीन कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश था। इसलिए था कि मेरी लाइफ का मुझे लग रहा था कि स्ट्रगल भी खत्म हो रहा है। इट वाज लाइक दैट। बड़े स्क्रीन पर आपको देखा तो आप जब खुद को देख रहे थे कि, और देख रहे थे कि इतने सारे लोग बैठ के और इंडस्ट्री के बहुत नामचीन लोग देख रहे थे, तो आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? थोड़ी नर्वसनेस थी, पता नहीं कैसा रिस्पांस आएगा, फिल्म लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे कैरेक्टर को, फिल्म पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बहुत नर्वसनेस थी उस वक्त। हैंडशेक कर रहे थे और थपथपा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि झूठ तो नहीं हो रहा है सब, झूठ मूठ तो नहीं कर रहे कि हाँ चलो फिल्म है चलो दे दो उसको शाबाशी दे दो टाइप में, सब ऐसा लग रहा था एक्चुअली मुझे। पर वो फिल्म भी एक्चुअली ये बहुत बड़ा गैम्बल भी था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज नॉट श्योर कि ऐसी पिक्चर चलेगी भी कि नहीं, चलेगी भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दूसरी भी बनी जिसमें आपको और बड़ा रोल मिला, क्योंकि रेगुलर फिल्म नहीं थी। हाँ, इस वक्त आप एक बहुत बड़े फिल्म में आने वाले हैं और एक अलग किस्म के किरदार प्ले कर रहे हैं। ये जब रोल लिखा जा रहा था तभी साजिद साहब ने मुझे अप्रोच किया था, मतलब इमेजिन कर लिया था कि मैं नवाज से करवाऊंगा ये रोल। बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की लेविश तरीके से शूट हुई फिल्म, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बहुत टाइट स्क्रिप्ट है, टर्न ट्विस्ट आप देखेंगे तो टर्न ट्विस्ट बहुत है उस फिल्म में। और साजिद साहब की पहली चुकी फिल्म है इसलिए पहली फिल्म पे डायरेक्टर बहुत सोच समझ के फिल्म को उठाता है कि कहीं से लूज तो नहीं हो रही फिल्म, प्रॉपर उस पर काम किया गया है उस स्क्रिप्ट पे। और ऑफकोर्स सलमान खान है, तो दो तीन फैक्टर थे जिसकी वजह से मुझे फिल्म को करने में बहुत एक्साइटमेंट था। अब बस रिलीज होने की देर है, बिल्कुल। जाते जाते मुझे ये बताए कोई ऐसे ख्वाहिश जो अब बाकी है? मेरी तो पहले भी ख्वाहिश नहीं थी। बस ये है कि मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में है अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत परफॉर्मेंस को लेके हैं जो मैं चाहता हूँ करना, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है, डिस्कवर करनी है मुझे अपने आप में, लाइक अनकंफर्ट जोन में डाल के अपने आप को डिस्कवर करनी है, लेट्स सी देखते हैं क्या। तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है लाइफ का। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिस रोल से मुझे थोड़ा सा डर लगे कि अरे यार शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ, मैं सबसे पहले वही करना चाहता हूँ। देखो हर एक्टर को अपनी वीकनेसेस मालूम होती हैं। I wish you all the best. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। Thank you, मदरी माँ। आपने वक्त निकाला क्योंकि आप बहुत बिजी हैं इन दिनों, कि जो ये कमर्शियल फिल्म है बहुत बड़ा सक्सेस हो। Thank you. और आपकी हर फिल्म जितनी अच्छी अभी तक आई है उससे और ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि हमें you, आपको बड़े स्क्रीन में देखने में बड़ा मजा आता है। Thanks a lot. Thank you. And all the best. And may God give you more and more and more. God bless your child. Thank you. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसे
कहानियों को आप तक पहुंचाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, पर हम अगर पूरे लगन और सच्चाई से काम करें तो मंजिल देर से हो पर मिलेगी जरूर। अगले हफ्ते एक और मशहूर हस्ती की जिंदगी के पन्नों से जुड़ेंगे और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग FM, क्योंकि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।